नमस्कार दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डीजीपे और मॉर्फो की समस्या के बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारे सभी वीएलई भाई और सीएसओ को इस समस्या का पता चल सके और जल्द से जल्द वो सभी समस्या के समाधान को दूर करें और हमारे वीएलई भाई अच्छे से काम कर पाए और किसी का पैसा ना फंसे और किसी को ऐसी समस्या ना पाए। दोस्तों, आप इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की यूजफुल जानकारी लेने के लिए इस हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है डीजीपे और मॉर्फो। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि जो मॉर्फो डिवाइस है वो सबसे अच्छी और सबसे टॉप डिवाइस मानी जाती है, जो कि हर जगह वर्क करती है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपको ऐसा कि पता होगा कि जो हमारी मॉर्फो डिवाइस है वो अभी हमारे डीजीपे सॉफ्टवेयर में सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। दोस्तों, हमारे अधिकतर वीएलई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस वर्क में लाई जाती है वो होती है मॉर्फो। और दोस्तों, अभी तक सीएसओ को इस बात का पता नहीं चला है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाए, अपने डीजीपे से ये बग को फिक्स कर पाए। तो दोस्तों, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ऐसे हैं जो पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, अपनी उसी मॉर्फो डिवाइस से, जो उनके पास ऑलरेडी वन मॉर्फो डिवाइस है, वो उसी मॉर्फो डिवाइस को डीजीपे पे सही तरीके से चलाना चाहते हैं। दोस्तों, कई हमारे वीएलई भाइयों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो पैसा खर्च नहीं कर सकते या फिर कोई दूसरा पोर्टल नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि हम इसी से काम करते रहें और हमारा मॉर्फो से ही यहाँ पे सारा काम हो जाए। तो दोस्तों, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा इससे कि हमारे सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इस वीडियो को देख के ज्यादा ज्यादा शेयर कर पाए और जब ये वीडियो सीएससी के पास पहुंचे तो वो अपनी इस समस्या को अपडेट करें और अपने इस डीजीपे सॉफ्टवेयर में दोबारा कोई जो है बग को फिक्स करें और इसे सही से यहाँ पे फिर से जो है चल पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि समस्या कुछ इस प्रकार से आ रही है कि जब भी आप यहाँ पे कोई बैलेंस की इंक्वायरी करते हो या फिर विड्रॉल करते हो तो ये क्या होता है, एक बार लाइट जलती है और आपका जो एप्लीकेशन होता है ये यहाँ पे फंस जाता है और ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए बैलेंस इंक्वायरी करता हूँ तो फिलहाल तो यहाँ पे लेट चलेगा, और अब मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आधार नंबर डाल देता हूँ। चलिए आधार नंबर डाल देते हैं। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे स्कैन फिंगर करूंगा तो देखिए फिंगर का लाइट चलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे फिंगर पे रखता हूँ, यहाँ पे मशीन पे उंगली रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे उंगली स्कैन हो गई, लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इसने कोई भी मूव नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया और ना ही यहाँ पे ये जो है बैलेंस बता रहा है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ये फंस चुका है, यहाँ पे ये हैंग हो चुका है। अब देखिए सिस्टम क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिस्टार्ट होगा और हमें इसे दोबारा जो है फिर से लॉगिन करना होगा। दोस्तों, इसमें हमारा काफी टाइम लग, देखिए इस तरीके से मैसेज आता है, दिस प्रोग्राम हैज परफॉर्मेंट इज इलीगल ऑपरेशन एंड विल बी शट डाउन, यानी कि ये इलीगल एक्टिविटीज थी इसलिए हम इसे दोबारा शट डाउन कर रहे हैं और आपको इसे दोबारा जो है ओपन करना होगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस तरीके से डीजीपे में समस्या आ रही है। अब आप सोचेंगे कि बीएलई इसमें कमाई करे तो करे कैसे, इससे फायदा उठाए तो उठाए कैसे, उसे एक बैलेंस की इंक्वायरी करने में 10 बार अंगूठा लगवाना पड़ता है, 10 बार परेशान होता है जब वो एक व्यक्ति का जो है बैलेंस इंक्वायरी कर पाता है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करने का हमें 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है और फ्री में हमारी जो है दुकान के आगे लाइन लगी रहती है बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, और उससे हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, हमारे वीएलई भाई सब्सक्राइबर्स इस बात पे गौर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सीएससी को इसके बारे में पता चल पाए और वो इसमें कुछ ना कुछ अपडेट करे, कुछ ना कुछ इसमें सुधार करे, जिससे कि उन्हें फायदा हो पाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बग है और आपको हजारों बार इससे समस्या आ सकती है। तो दोस्तों, मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, सभी वीएलई भाई से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी ग्रुप में शेयर करें, सभी जगह शेयर करें, जिससे कि हमारे सीएससी के जो भी स्टाफ है, जो भी सीएससी के व्यक्ति हैं, जो भी उसके कर्मचारी हैं, उन्हें इस बात का पता चल पाए और वो इस समस्या को दूर कर पाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।